मैं मूलतः प्रेम की श्रृंगार की कवित्री हूँ। यहाँ पर रसिक गुप्ता जी संचालन कर रहे हैं, हमेशा यही संचालन करते हैं जब भी ये हमारे कार्यक्रमों में होते हैं। उसका एक और बहुत बड़ा कारण ये है कि इनको अपने घर में बोलने का मौका नहीं मिलता है, तो हमें नहीं आ देखिए, मैं प्रेम की कविताएं सुनाती हूँ और समय का आज थोड़ा सा विलंब हो गया, थोड़ा सा कार्यक्रम हमारा देर से शुरू हुआ, इसलिए मुझे पहले काव्य पाठ करना पड़ रहा है, मुझे बहुत दूर जाना है। तो चार चार पंक्तियों से आपसे जुड़ने का प्रयास करती हूँ, लेकिन मेरी बात कहीं आपके दिल तक पहुँच जाए तो आपकी प्रतिक्रिया मुझे मिलनी चाहिए, आपकी वाह वाह मुझे मिलनी चाहिए, आपकी तालियां मुझे मिलनी चाहिए। पहली बार यहाँ पर आई हूँ, वैसे मथुरा की ही पैदाइश हूँ, पर ये थोड़ी सी दूर है उससे जगह, तो एक बार मुंह दिखाई की तालियां भी आपको बजा देनी चाहिए। वाह क्या बात है, वाह आवाज आ गई है देखो जी, बिल्कुल आपकी आवाज जब तक बंद है तब तक ज्यादा अच्छा है। चार पंक्तियां पढ़ती हूँ और आपके कानों के जरिए आपके दिल तक उतरने का प्रयास करती हूँ। गीत छंदों की शाम लिख जाऊं, जिंदगानी तमाम लिख जाऊं, हो अगर आपकी इजाजत तो आपके दिल पे नाम लिख। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत कुछ अंकल। देखिए मैं मूलतः प्रेम सुनाती हूँ, प्रेम ही लिखती हूँ। दो तीन कविताएं आपको सुनाऊंगी, आप लोग ढंग से सुन लेंगे, ताली वाली बजा देंगे तो ठीक है, वरना 8-10 कविताएं और सुनाऊंगी। कुछ अंकल यहाँ पे मुझे अनूप जलोटा की नजरों से देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि अंकल मैं जसलीन नहीं हूँ। आप लोग चाहे तो उनके सम्मान में चार पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ, वहीं से शुरुआत करती। बीते दिनों की याद में शर्माए है दादा, बीते दिनों की याद में शर्माए है दादा, एक बार पूरे जोश में फिर आए है दादा, जब से है जलोटा के साथ देखी हसीना, जब से है जलोटा के साथ देखी हसीना, एक हारमोनियम खरीद लाए है दादा, एक हारमोनियम खरीद। अगर आपको लगता हो कि उनके सम्मान में अभी भी कोई कमी रह गई है तो मैं चार पंक्तियां और सुना सकती हूँ। सुनाइए सुनाइए, आपको लगता है तो एक बार तालियां बजा के बताइए। जो भोर के तारे थे सभी शाम हो गए, जो भोर के तारे थे सभी शाम हो गए, थे नाम वाले जितने भी बदनाम हो गए, बचपन से जवा होने तलक राम को जपा, बचपन से जवा होने तलक राम को जपा, और चढ़ते ही बुढ़ापा आसा राम हो गए, और चढ़ते ही बुढ़ापा आसा राम हो गए, और चढ़ते ही बुढ़ापा। ये लेकिन नहीं नहीं बहुत अच्छा, लेकिन ये बाजना वाले हैं, इनको पता है कि प्यार में पहले यूं लगता है पहुंच गए मैखाने में। हाँ। इस चक्कर में पढ़ते नहीं है ये कि प्यार में पहले यूं लगता है पहुंच गए मैखाने में, धीरे धीरे फिर समझोगे आ गए हो तहखाने में, और दूर रहो इन बलखाती सी नागिन काली जुल्फों से, पागल करके पहुंचा देगी तुमको पागल खाने में। बहुत अच्छा बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं। इसलिए चक्कर में पढ़ना नहीं है, सिर्फ कविता कविता सुननी है। हाँ इनकी त्वचा से इनकी उम्र का पता नहीं चलता है। नहीं मैं तो देखो एक और कहता हूँ बात पद्मिनी जी, हम धन्यवाद करते हैं अपने परमपिता परमात्मा का, कान्हा जी का, जिसने हम पुरुषों को इतना नेचुरल गोरा और सुंदर बनाया है, वरना हम कहाँ पार्लर में धक्के खाते फिरते। चलिए आपकी बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।
आप चाहते हैं कि मैं इनको चार पंक्तियों में जवाब दूं तो मुझे बता दीजिए, वरना मैं अपने काव्य जो कर रहे हैं आप लुंगी डांस नहीं है रसिक जी जी, जो कर रहे हैं आप लुंगी डांस नहीं है, ये छेड़छाड़ है कोई रोमांस नहीं है। जाकर के आईने में अपनी शक्ल देखिए, जाकर के आईने में अपनी शक्ल देखिए, मेरे यहाँ पे आपका कोई चांस नहीं है, मेरे यहाँ पे। देखिए देखो लड़कों, जितने लड़के यहाँ बैठे हैं उनसे कहती हूँ, देखो लड़कों, लड़कियों का मुस्कुराना एक अदा है, वाहवा करो। हाँ, लड़कियों का मुस्कुराना एक अदा है, दाद देनी है, दाद खाज खुजली नहीं देनी है। लड़कियों का मुस्कुराना एक अदा है, लेकिन उसे जो प्यार समझे वो गधा है। ये बाजना वाले हैं, इनको पता है, और ये सब चीजों से निकल चुके हैं। बस मैं चार पंक्तियां और समर्पित कर देता हूं कि इनके चक्कर में पड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसे तुम जान से ज्यादा करते थे प्यार, वो तुम्हारे क्रेडिट कार्ड से लाखों की शॉपिंग करके हो गई फरार। अरे धोखा खाने वालों संभलो, अपने प्यार को ना यूं पहली नजर में पास करो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। चलिए आप रसिक जी, आप जीत गए, एक ट्रॉफी इनको दे दीजिए आज। नहीं, वो तो पहले एडवांस में दे देते मफतलाल जी, बाद में कुछ अच्छा, नहीं देते। मैं चार पंक्तियां पढ़ती हूँ और उससे इस कार्यक्रम, मतलब ये जो हम संवाद कर रहे हैं, इसका समापन करती हूँ। जी, जी, जी। इनको लड़की गुलाब लगती है भाई साहब, आप देखो राखी आने में अभी टाइम है। इनको लड़की गुलाब लगती है। अच्छा, ये भाई साहब उन आशिकों में से हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के मोबाइल का रिचार्ज कराती हैं, लेकिन बात किसी और से ही करती है। इनको लड़की गुलाब लगती है, हर शमा आफताब लगती है, उम्र है राम नाम लेने की, फिर भी नीयत खराब लगती है। मैं चार पंक्तियां पढ़ती हूँ और प्रेम की कविताएं आपको सुनाना चाहती हूं। एक बार शुद्ध कविता सुनने के लिए एक बार मुझे तालियां बजाकर मन दीजिए। प्यारा मुझे बहुत था मगर छोड़ के आई। जब एक लड़की अपनी ससुराल के लिए विदा होती है और अपना मायका छोड़कर जाती है, तो वो सिर्फ मायका नहीं छोड़ती है, अपने माता, अपने पिता, अपने गुड्डे गुड़िया, अपने भाई बहन, अपने मित्र, अपना कमरा, अपनी अलमारी, सब कुछ छोड़ती है। उसको चार पंक्तियां समर्पित करती हूँ और आप सभी का मन चाहती हूँ। स्वागत स्वागत स्वागत। प्यारा मुझे बहुत था मगर छोड़ के आई। वाह। प्यारा मुझे बहुत था मगर छोड़ के आई, हंसते हुए बचपन का नगर छोड़ के आई। बस एक इल्तिजा है मेरा दिल न दुखाना, मेरा दिल न दुखाना, मेरा दिल न दुखाना, तेरे लिए माँ बाप का घर छोड़ के आई। तेरे लिए माँ बाप का घर छोड़ के आई। मैं बहुत से पतियों को अक्सर ऐसा कहते हुए सुनती हूँ। पद्मिनी जी, वैसे ये भी अपनी लुगाई छोड़ के आए हुए हैं आपको सुनने के लिए। सुनिएगा, चार पंक्तियां सुनिएगा, ये इसी तरह से बोलते रहते हैं, इनको बीच बीच में बोलने की आदत नहीं है। असल में भाभी जी इनको चुप कराना भूल जाती हैं और इनको समझा नहीं पाती हैं, चुप रहना सीखा ही नहीं है। चार पंक्तियां हाजिर करती। मैं बहुत से पतियों को ऐसा कहते हुए सुनती हूँ कि एक स्त्री क्या चाहती है ये वो कभी समझ नहीं पाए। मैं आपको चार पंक्तियों में बताती हूँ भाई साहब, आपको भी, कि आपकी पत्नी, आपकी प्रेमिका, आपके जीवन में जो भी स्त्री है, या इन दोनों में से अगर दोनों भी हैं, तो वो आपसे क्या चाहती है।
बंगले के लिए और न बड़ी कार के लिए। वाह 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 वाह। बंगले के लिए और न बड़ी कार के लिए, हीरे की अंगूठी न किसी हार के लिए। लड़ लूंगी झगड़ लूंगी मना लूंगी फिर तुझे, मना लूंगी फिर तुझे, मना लूंगी फिर तुझे। ये सब करूंगी सिर्फ तेरे प्यार के लिए, ये सब करूंगी प्यार के लिए, तेरे प्यार के लिए, तेरे। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ऐसी परंपरा का पालन करने वाले देश से हम सभी आते हैं, और आज रसिक जी ने सिर्फ दो कवित्री बुलाई हैं और सभी कवि हैं। विश्व की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व हम दोनों कर रहे हैं, इस बात पर भी एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। चार पंक्तियां आप लोगों को समर्पित करना चाहती हूँ। ये पंक्तियां मेरे लिए सिर्फ मुक्तक नहीं है, ये मेरा अभियान है, आपके दिल तक पहुंचे तो आपकी प्रतिक्रिया मुझे चाहिए जी। भारत की संस्कृति परम पुनीता बचा लो, भारत की संस्कृति परम पुनीता बचा लो, कर्मों की अदालत में अपनी गीता बचा लो। मंदिर तो आजकल में बन ही जाएंगे मगर, मंदिर तो आजकल में बन ही जाएंगे मगर, कलयुग के रावणों से अपनी सीता बचा लो, कलयुग के रावणों से अपनी सीता बचा लो, कलयुग के रावण। और चार पंक्तियां मेरी बहनों को समर्पित करती हूँ। जो कुछ भी दिया है सदा भरपूर दिया है, जो कुछ भी दिया है सदा भरपूर दिया है, सरहद को अपनी आंखों का ही नूर दिया है। एहसान उसका कोई भला क्या चुकाएगा, एहसान उसका कोई भला क्या चुकाएगा, जिस नारी ने इस मुल्क को सिंदूर दिया है, जिस नारी ने इस। बहुत कमजोर तालियां हैं आपकी, एक बार आगे से पीछे तक जोरदार तालियां बजाइए। जिस नारी ने, अच्छा अभी पिछले दिनों क्या हुआ, मैं और शंभू शिखर जी और मंजीत सिंह जी भी, हम लोग बिहार की यात्रा पर थे, हम अखबारों के कार्यक्रम कर रहे थे, तो वहाँ जाकर मुझे सबसे ज़्यादा जो गर्व हुआ वो इस बात पर हुआ कि बिहार की बेटी ने, बिहार की बिटिया ने अपने पिता की जान बचाने के लिए उनको अपनी किडनी तक कुर्बान कर दी। एक बार जोरदार तालियां उनकी बेटी के लिए। चार पंक्तियाँ उस बेटी को समर्पित करती जी। स्वागत स्वागत स्वागत। हाँ, एक बेटी साइकिल पे लेके गई थी अपने पिता को, बीमार पिता। हाँ के दौरान दिल्ली से बिहार तक। जी जी जी, आदरणीय मंजीत जी कह रहे हैं कि एक बिटिया साइकिल पर अपने पिता को दिल्ली से वहां तक लेकर गई थी, बिहार तक लेकर गई थी। चार पंक्तियां उस बेटी को समर्पित करती हूँ। मैं मथुरा की पैदाइश हूँ, मैं मथुरा की बेटी हूँ, तो मेरा कर्तव्य बनता है बेटियों पर कविता सुनाना। चार पंक्तियां आपको सुनाती हूँ। स्वागत। मीरा की तरह जहर भी पीती हैं बेटियां, मीरा की तरह जहर भी पीती हैं बेटियां, रिश्तों के धागे टूटे तो सीती हैं बेटियां, बेटी के नाम पर कोई उपवास नहीं है, बिटिया के नाम पर कोई उपवास नहीं है, फिर भी तो पूरी उम्र को जीती है बेटियां, फिर भी तो पूरी उम्र को जीती है। चूंकि ये मेरा मायका है, आज मैं जहां यहां पर जो खड़ी हूं तो वहां पर एक हास्य का गीत आपको सुनाना चाहती हूं। और गुड़गांव में मेरी शादी हुई है, वो मेरी ससुराल है, ये मेरा मायका है, तो जब एक बेटी आती है तो अपनी ससुराल की शिकायत सिर्फ मायके वालों से ही करती है। एक हास्य का गीत आपको सुनाना चाहती हूँ, आप लोग सुनना चाहते तो एक बार मुझे बता दीजिए। अच्छा, अभी पिछले दिनों क्या हुआ, हम जहाँ रहते हैं वहाँ गुड़गांव में एक मेला लगा, उस मेले में मेरे साथ क्या घटना हुई, क्या दुर्घटना हुई,
आपको एक गीत के माध्यम से बताती हूँ। जी स्वागत स्वागत। ढूंढो ढूंढो रे, आप लोग खड़े होके ढूंढने मत चले जाना, गीत है बस, भावुक मत हो जाना। ढूंढो ढूंढो रे, अंकल आप भी सुनिएगा। ये जो आप रह रहे के जो तीर चला रही हो ना पद्मिनी, और एक चीज और भी है, मैंने आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई लड़की देखी भी नहीं है। कारण क्या है कि शुरू में तो मुंह दिखाई मांग ली, अब ये मायके वाले हो गए, देखो दोनों तरफ का माल लूट लो। रसिक जी आप तो रहने ही दीजिए, आपको तो ये भी नहीं पता है कि सफेद शर्ट के साथ पीली जैकेट नहीं पहनते हैं। ये फैशन के है ना, ये सिर्फ महिलाओं को ही पता है। नहीं ये तो चाहते सिर्फ सफेद में ही आए, इन्हें पुरुष विधवा लगे हूँ। जी ढूंढो ढूंढो रे, ढूंढो ढूंढो रे, ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा, खो गया मेले में। ढूंढो ढूंढ, जब तक सब मिलके ताल के साथ तालियां नहीं बजाएंगे, मैं सारी रात यही पंक्ति दोहराती रहूंगी। ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा, खो गया मेले में। ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा, खो गया मेले में। ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा, खो गया मेले में। रात हो गई छोड़ गया था मुझे उजेले में। ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा, खो गया मेले में। पिछले बरस ही ब्याह किलाया मुझको नहीं नवेली। पिछले बरस ही ब्याह किलाया मुझको नहीं नवेली। मुझको तनहा छोड़ गया मैं जाऊं कहाल बेली। आधी रात को बैठी हूँ मैं देखो निपट अकेले में। आधी रात को बैठी हूँ मैं देखो निपट अकेले में। रात हो गई छोड़ गया था मुझे उजेले में। ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा, खो गया मेले में। ढूंढो ढूंढो। देखो पुरुषों और पतियों और रसिक जी, हाँ जी, आप सब एक बात। वो मेले में नहीं, आज बहुत तेज आंधी आई थी उसमें उड़ गया। आप सब एक बात। आप सब पुरुष एक बात याद रखो, मुफत लाल जी आप भी याद रखे। मुफत लाल जी नहीं है, मफत लाल जी है। हाँ भाई आपने मात्रा अलग अलग। मफतलाल जी मतलब आप चाह रहे थे थोड़े बहुत मिलने, वो भी जाते रहे। आप भी नहीं नहीं, मैं बहुत सम्मान करती हूँ मफतलाल जी का और रसिक गुप्ता जी का। जी, 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 जी। कौन कवि ऐसे कैसे आएगा, कैसे जाएगा, कैसे खाएगा, क्या खाएगा, कब पहुंचेगा, इन सभी चीजों का इन्होंने इतना ध्यान रखा है। किसको खाने में क्या पसंद है, इन सभी चीजों का ध्यान रखा है। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखा है कि कवियों से, कवियों को, सभी कवियों को बिना पेमेंट के कैसे बुलाना है इस कार्यक्रम में। इसके लिए मैं इनका बहुत सम्मान करती हूँ। जोरदार तालियां एक बार इन दोनों के लिए बजा दीजिए। देखिए देखो पुरुषों और पतियों, आप सब एक बात याद रखो कि आप पुरुष चाहे कितनी भी तीखी मिर्ची हो, हम महिलाएं आपका अचार डाल ही देती। मैं गीत प्रस्तुत करती। ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा, खो गया मेले में। ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा, खो गया मेले में। रात हो गई छोड़ गया था मुझे उजेले में। ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा, खो गया मेले में। और मुझे ऐसा महसूस होता है, चूंकि मैं दिल्ली में रह रही हूँ कई साल से, कि अब वो जमाने जा चुके हैं जब लड़कियां ये ख्वाब देखती थी कि सफेद घोड़े पे बैठ के उसका राजकुमार आएगा और उसको ले जाएगा। अब वो जमाने हैं मफतलाल जी कि BMW में बैठ के कोई गधा भी आ जाए तो वो उसके साथ भी जाने को तैयार हो जाती है। ऐसी ही लड़की की दास्तान आपको बताना चाहती हूं कि इस बात पर वो उससे रूठ कर चला गया। उसने बोला मैं विराट, तू मेरी अनुष्का रानी। उसने बोला मैं विराट, तू मेरी अनुष्का रानी। मैंने कहा कि मैं तो रोहित शर्मा की दीवानी। बाबू तेरे जैसे दीवानों को बेच दुधेले में। बाबू तेरे जैसे दीवानों को बेच दुधेले में।
रात हो गई छोड़ गया था मुझे उजेले में, ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा खो गया मेले में। अच्छा एक अंतरा मैं उनको समर्पित कर, देखिए हमारे देश के जितने भी राज्य हैं वो ये सोच के मुख्यमंत्री बनाते होंगे कि उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, लेकिन हम दिल्ली वाले इतने शानदार हैं कि हमने समस्या को ही मुख्यमंत्री बना लिया है। उनको एक अंतरा समर्पित करना चाहते जी, स्वागत स्वागत। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में उसको ढूंढ के आई, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में उसको ढूंढ के आई, अपने सब रिश्तेदारों में उसको ढूंढ के आई, आखिर में हर जाई मुझको पी के मिला तबेले में, आखिर में हर जाई मुझको पी के मिला तबेले में। रात हो गई छोड़ गया था मुझे उजेले में, ढूंढो ढूंढो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वो चार पंक्तियां याद आती हैं कि अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए औरों को हंसाने के लिए। वाह 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 वाह। मैं एक बहुत छोटा सा गीत आपको सुना, ज्यादा ज्यादा। अच्छा ठीक है, मैं चार पंक्तियां पढ़ती हूँ, उसके बाद हमारी बहुत बड़ी टीम है, कार्यक्रम भी बहुत लंबा शुरू हुआ है। मेरा नाम पद्मिनी है और न जाने क्यों मेरा नाम पद्मिनी रखा गया होगा। अभी वो पिछले दिनों एक फिल्म भी आई थी पद्मावत, जिसमें पद्मिनी का जीवन दिखाया गया था, पद्मिनी की का जो संघर्ष था वो दिखाया गया था। तो वो फिल्म रिलीज नहीं हो पा रही थी, उसका नाम पद्मावत, पहले उसका नाम पद्मिनी था लेकिन फिर उसका नाम पद्मावत कर दिया तो वो रिलीज हो गई नाम बदलने से। तो ऐसे ही बिहार के जो जितने भी श्रोता हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, उन्होंने एक पत्र लिख कर भेजा अपने मुख्यमंत्री को और लिखा कि आप यहाँ पर शराब को शरबत बोल के अगर चालू कर दो तो वो शायद चल जाएगी। तो अपने पहचान की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहती हूँ। मेरा नाम पद्मिनी है और अपने आप सीधे सीधे आपसे जुड़ने का। पद्मिनी जी, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पिछले जन्म में मेरा नाम अलाउद्दीन खिलजी था। मैं अपनी पहचान की पंक्तियां रखती हूँ। स्वागत स्वागत स्वागत। फूल सही पर वक्त पड़े तो कांटों पर भी भारी हूँ। खिलजी जी आप तो रहने ही दीजिए। फूल सही पर वक्त पड़े तो कांटों पर भी भारी हूं, ममता की मूरत दुष्टों की खातिर तेज कटारी हूं, कोई बाधा रोक न पाए आगे बढ़ती जाती हूं, हिम्मत से हर कदम उठा शिखरों पर चढ़ती जाती हूं, सिंधु साक्षी हिमा साइना सबने ऐसा काम किया, ओलंपिक में थाम तिरंगा देश का ऊंचा नाम किया, चूड़ी बिंदिया और महावर ही मेरा सिंगार नहीं, चूड़ी बिंदिया और महावर ही मेरा सिंगार नहीं, तन को वर्दी हाथों को बंदूक से अब इनकार नहीं, बदनीयत से बड़ी अगर तो बाह तोड़ दी जाएगी, खिलजी बुरी नजर डाले तो आंख फोड़ दी जाएगी, हाथ बढ़ाकर जिसे उठा ले कोई मैं वो जाम नहीं, हाथ बढ़ाकर जिसे उठा ले कोई मैं वो जाम नहीं, नाम पद्मिनी है मेरा पर जौहर मेरा काम नहीं। नाम पद्मिनी है मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद।